और वही मिशन 2024 के संकल्प के साथ ही फरीदाबाद के सूरजकुंड में हुए बीजेपी के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हो गया है। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने नगर निगम चुनाव से लेकर साल 2024 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंकने, बीजेपी की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में इनकी अगुवाई में निरंतर विकास हो रहा है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में हुए बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का रविवार को तीसरा और आखिरी दिन रहा। समापन सत्र सहित तीनों सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद ताबड़े और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यकर्ता का व्यक्तित्व विकास, बूथ सशक्तिकरण और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में बीजेपी के योगदान विषय पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। प्रशिक्षण शिविर में आखिरी सत्र में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित राजनीतिक दल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में इनकी अगुवाई में निरंतर विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा यह कोशिश रहती है कि उसका कार्यकर्ता विचार से पुष्ट हो और जन कल्याण के लिए तत्पर हो। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से इस प्रकार के वर्ग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे हरियाणा राज्य के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी बहुत ही पुराने वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ता हैं। अनेक उतार चढ़ाव का उनको अनुभव है और इसलिए इन वर्गों के माध्यम से योग्य रूप से कार्यकर्ता निर्मित हो, इस प्रकार की उनकी हमेशा कोशिश बनी रहती है। वो संगठनात्मक कार्यक्रम भी करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी करते हैं और उनके नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार निरंतर रूप से हो रहा है और इस प्रकार के वर्ग विस्तार में भी योगदान देते हैं। शिविर में पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने प्रशिक्षण शिविर में अपने संबोधन के बाद बताया कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता नेता बनते हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए सामान्य कार्यकर्ता भी देश में शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है। रक्षा क्षेत्र में बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो केवल भारत के पास है। लगातार आत्मनिर्भर बनने की ओर भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हरियाणा बीजेपी के प्रयासों पर क्या कहेंगे सर? आपने राष्ट्रीय स्तर पर घूमते हैं, एक प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है। और जिस बेहतरी के साथ में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर को आयोजित किया, जिस तरह के वातावरण में किया और सभी प्रतिभागियों ने जिस गंभीरता के साथ में विषय को सुना है, मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का अभिनंदन करना चाहता हूँ। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद ताबड़े ने कहा कि कार्यकर्ताओं के बलबूते ही पार्टी प्रदेश में मजबूत हुई है और 2 बार सत्ता पर काबिज हुई। कार्यकर्ता पिछले 25 से 30 सालों से काम कर रहे हैं, तभी हम यहां पर पहुंचे। पिछले लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के कुशल कार्य पद्धति के बल पर ही लोकसभा में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें लोकसभा में जीती हैं और एक रिकॉर्ड कायम किया। देश भर के कार्यकर्ता, सांसद, मंत्री, विधायक सही दिशा में बूथ सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं तो आगामी चुनाव में विजय बीजेपी की होगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा, बीजेपी का सूरजकुंड में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर काफी सफल रहा और इस शिविर में कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ सीखा। बताया गया कि शिविर में 350 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है और बहुत ही श्रेष्ठ वक्ताओं ने इस शिविर में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। ओपी धनखड़ ने कहा, इस तरह के प्रशिक्षण शिविर का लक्ष्य न केवल बीजेपी की विचारधारा को आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए इसके लिए कार्यकर्ताओं को परिपक्व करना होता है, बल्कि 3 दिन तक सभी छोटे बड़े नेता, कार्यकर्ता सभी ने साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अंत्योदय की सोच को धरातल पर पूरी तरह से उतारा है। 325 लोग इसमें हाजिर थे
और इसमें 13 सत्रों में सब प्रकार के विषयों का चयन था जो पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो इस समय की राजनीति से जुड़े हुए हैं और जो सरकार के लोक कल्याण के काम हैं उनको आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने तक जुड़े हुए हैं। मुझे इस बात का आनंद है कि हमको बहुत अच्छे वक्ता इस प्रशिक्षण वर्ग में मार्गदर्शन करने के लिए मिले राष्ट्रीय स्तर से। जैसे अभी तोमर साहब आए थे, नरेंद्र तोमर जी, सुबह हमारे गजेंद्र शेखावत जी थे, पहले हमारे भूपेंद्र यादव जी थे, पर्यावरण मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। स्वयं ने संगठन के नाते भी हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, पूर्व राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और बहुत ही सीनियर नेता वी सतीश जी, जो जिन लोगों ने पार्टी के हरियाणा के लोगों ने भी विषय रखे, अनिल विज जी, वो बहुत ही सीनियर लोगों ने सब विषय रखे, तो हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी, मैं ये कहूँगा कि ये पूरा का पूरा प्रशिक्षण शिविर बहुत सफलतम प्रशिक्षण शिविर था, विषयों के चयन की दृष्टि से भी, हमारे वक्ताओं की दृष्टि से भी, यहाँ के वातावरण की दृष्टि से भी, और जिससे मैं कहूँगा कि तल्लीनता के साथ लोगों ने सीखने की कोशिश की, इंटरेक्टिव सेशन थे सारे के सारे। और हमारे इस सारे के सारे प्रशिक्षण का एक सबसे मुख्य बिंदु होता है, हम जब प्रशिक्षण होता है तो साथ रहते हैं। बहुत सारे लोगों के घर तो यहीं फरीदाबाद में भी थे, नज़दीक गुड़गांव में भी थे, पलवल में भी थे, जा सकते थे, लेकिन इस शिविर का आग्रह ये होता है कि सब लोग साथ रहें और जो सहजीवन है उसका भी एक अपने आप में प्रशिक्षण में लाभ होता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी नेता और फॉलोवर्स का दल नहीं है, ये साधक साधक का दल है, कोई दो कदम आगे है, कोई दो कदम पीछे है, तो उस नाते से हम एक दूसरे से भी सीखते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हुए सीखते हैं। तो सीखना केवल हम, मैं कहूँगा कि मंच और उसके सामने बैठे हुए लोगों के बीच में नहीं होता, इसके समय पालन में भी सीखना होता है, साथ रहने में भी सीखना होता है, आपसी बातचीत में भी सीखना होता है, वातावरण भी में हम ऐसा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे सब महापुरुषों की कोटेशंस वहाँ लगाते हैं जो किसी न किसी प्रकार से प्रेरित करती हैं। हर इसका एक गीत भी रहता है, चरह बहती यही तो मंत्र है अपना, लगातार बढ़ते जाना, लगातार बढ़ते जाना, इस प्रशिक्षण का एक गीत भी रहा है जो लगातार हर सत्र में गाया गया है। तो चारों तरफ सीखने का वातावरण था और मुझे सबसे बड़ा आनंद इसकी बात इस बात की है कि किसी भी उम्र के लोग थे, सब सीखने के लिए आतुर थे, अधिक से अधिक सीखना चाहते। यानी कुल मिलाकर इस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने, मिशन 2024 के लिए जीत का मंत्र फूकने का काम किया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री का हरियाणा के मुख्यमंत्री की सराहना करना ये भी जता गया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ईमानदार छवि और उनके हरियाणा को विकास पर आगे बढ़ाने की नीतियों को लेकर आलाकमान बेहद खुश है। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट।